हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी। कोरोना संकट के बावजूद राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर एक दिन पहले से ही पूरे देश में उत्सव का माहौल बन गया। इस कार्यक्रम पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर बनी रही। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने इस कार्यक्रम को प्रमुखता से कवर किया। जानिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वैश्विक मीडिया ने क्या कुछ कहा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास पूरे वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में रहा। सीएनएन, द गार्जियन, बीबीसी, अल जजीरा और डॉन ने इस कार्यक्रम को प्रमुखता से कवर किया। अमेरिकी न्यूज साइट सीएनएन ने कहा कि देश में फैले कोरोना वायरस के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने लिखा कि राम मंदिर का शिलान्यास दरअसल भारत के बदल रहे संविधान का शिलान्यास है। सीएनएन ने लिखा कि मोदी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पर राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ये जगह सालों से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद का जड़ रही है। बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम ऐसे समय पर हुआ जब भारत में लगातार 5 दिनों से 50,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 3rd नंबर पर है। गृह मंत्री अमित शाह और अयोध्या में मंदिर के पुजारी समेत 4 सिक्योरिटी गार्ड भी संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि अयोध्या में दिवाली 3 महीने पहले ही आ गई। शहर में राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। दशकों से ये भारतीय इतिहास का सबसे भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दा रहा है। भगवान राम हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय है। उनका मंदिर बनाना बहुत से हिंदुओं के लिए गर्व का क्षण है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के मन में दो तरह की भावनाएं हैं। एक तो उनकी मस्जिद के जाने का दुख, जो 400 सालों से वहीं खड़ी थी। दूसरा, उन्होंने मंदिर निर्माण पर अपनी मौन सहमति भी दे दी। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस जगह पर करीब 500 सालों से बाबरी मस्जिद थी। मोदी के आलोचक मानते हैं कि ये सेक्युलर भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का एक और कदम है। भारत के सीपीआर के पूर्व अध्यक्ष प्रताप भानु मेहता के हवाले से डॉन ने लिखा, राम मंदिर का शिलान्यास एक तरह से अलग प्रकार के भारतीय संविधान का शिलान्यास है। ये इस बात को बताता है कि भारत का मौलिक संवैधानिक ढांचा बदल रहा है। खाड़ी देशों के चैनल अल जजीरा ने लिखा कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है। भारत की सेक्युलर विचारधारा से समझौता किया गया। भारत की सत्ता में मौजूद हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के दशक से मंदिर आंदोलन छेड़ा था। 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों ने मस्जिद गिरा दी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को भी मस्जिद की जगह दे दी। इस फैसले की बड़ी आलोचना हुई। विडम्बना ये है कि मंदिर की नींव रखी जा रही है और बाबरी विध्वंस मामले की कानूनी सुनवाई तक अभी पूरी नहीं हुई है। एबीसी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से भारी भीड़ नहीं हुई, लेकिन भारत के हिंदू खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। यहां पर कथित तौर पर पहले मस्जिद थी। राम मंदिर के निर्माण में 3 से 3.5 साल लगेंगे। ये दुनिया का सबसे भव्य मंदिरों में से एक होगा। बीबीसी ने भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का भी जिक्र किया। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया। 1992 तक यहाँ पर मस्जिद थी, जिसे भीड़ ने गिरा दिया था। दावा किया जाता है यहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर था, इसलिए दोनों समुदाय इस जगह पर दावा करते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मुस्लिमों को मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का जश्न अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक विशाल बिलबोर्ड पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित कर मनाया गया। यहां पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी एकत्रित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।